हेलो दोस्तों, अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। आज हम अर्चना में प्रश्न वाले 3 का क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में 1 से लेकर 32 तक सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को प्ले लिस्ट में वीडियो सारा मिल जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऐसा पहले तो इससे पहले वाला आप लोग वीडियो देखे होंगे तो छोटा छोटा आया होगा, 9x + 2x कितना हो जाएगा 11x, इसी तरह छोटा छोटा। अब इसमें क्या कर दिया, माइनस भी दे दिया, प्लस भी दे दिया, फिर माइनस दे दिया, ऐसा दे दिया, 3 × 1 = 7 दे दिया, तो फिर इसे कैसे बनाएंगे। चलो दोस्तों यहाँ पे समझिए, एक एक सिंबल आप लोगों को बेसिक आना चाहिए। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होता है लेकिन लिखा जाएगा किस में, माइनस में ही लिखा है, लिखाएंगे जोड़ के प्लस कर देंगे लेकिन सिंबल आगे रहेगा माइनस में ही। अब दूसरा देखिए, प्लस 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 क्या होता है, प्लस ही होता है। उसके बाद माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है। ये इतना सिंबल आप लोगों को याद रखना चाहिए, ये सारा सिंबल आप लोगों के मैथ में बहुत काम आएगा। चलो दोस्तों अभी इसको यूज करने बताते हैं। चलिए देखिए, माइनस माइनस क्या बोले थे, प्लस होता है। अगर हमने लिख दिया 2 - 2 बराबर कितना लिखना, 2 - 2, माइनस माइनस क्या बताए थे, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 2 + 2 = 4, जोड़ में लिख देंगे 4, प्लस 4 करेंगे लेकिन इसके आगे सिंबल में माइनस ही रहेगा, माइनस में 4। अब देखिए प्लस प्लस वाला, 2 + 2, आप देखिए प्लस प्लस वाला आप लोग माइनस माइनस वाला बताए थे ना, क्या क्या होता है प्लस में, और यहाँ पे देखिए आप प्लस प्लस वाला लिखे, प्लस प्लस क्या होता है प्लस में, जिसके आगे कुछ नहीं रहता, माइनस नहीं लगा रहता, उसके आगे क्या अपने स्वयं लगा हुआ रहता, प्लस लगा हुआ रहता लेकिन छिपा हुआ रहता, आप लोगों को पता नहीं चलता। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 2 + 2 = 4, लेकिन लिखेंगे किस में, प्लस में ही लिखेंगे किस में, प्लस में ही, प्लस में ही लिखेंगे, लेकिन प्लस छुपा हुआ रहता है, हमेशा लिखने की जरूरत नहीं पड़ता, माइनस रहता है तब लिख देते हैं लेकिन प्लस को हमेशा नहीं लिखते हैं। अब देखिए, अभी बताए थे माइनस, माइनस और प्लस मिलके क्या होता है, माइनस, माइनस और प्लस मिलके क्या बताए थे, माइनस और प्लस मिलके क्या बताए थे, माइनस होता है, मतलब घट जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे कितना हो जाएगा 0। अब क्या, अब यहाँ देखिए और बताए थे प्लस माइनस, प्लस और माइनस मिलके क्या बनेगा, माइनस, प्लस और माइनस मिलके भी माइनस बनेगा। देखिए यहाँ लिख दिया प्लस में 2, प्लस आगे नहीं लिखे, माइनस में 2, 2 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 0। ये इतना आप लोगों को बेसिक आद, ये सारा यूज भी बता देगी दिए हैं और यहाँ इसी का यूज करके ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। चलो दोस्तों अब देखिए, 8 - 8 - 8 - 8x + 6x - 9x, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए 8x है, 8x को 8x पहले बोर्ड मास में आप लोग पढ़ेंगे, ब्रैकेट के काम करते हैं, उसके बाद का ब्रैकेट, उसके बाद का ही मतलब गुना होता है, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। अब यहाँ पे बोर्ड मास, अब यहाँ पे जोड़ आया, जोड़ उसके बाद घटा, पहले जोड़ का काम करेंगे उसके बाद हम घटा का काम करेंगे। यहाँ पे देखिए जोड़ उसके बाद घटा, जोड़ यहाँ जोड़ में पहले 6x है, 6x, अभी कुछ देर पहले बताए थे आगे जोड़ नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाएंगे, हमें नहीं दर्शाएं। अब माइनस माइनस क्या बताए थे, माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, माइनस माइनस लेकिन सिंबल में क्या लिखेंगे, माइनस में ही लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, 8 और 9 जोड़ेंगे, 8 और 9 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 × 2 = 16 = 17, माइनस में 17 लिखेंगे, माइनस में 17। अब 17 घटाएंगे, कोई संख्या छोटा में से बड़ा घटाते हैं माइनस में लिखा जाता है, कोई संख्या छोटा में से बड़ा घटाते हैं माइनस में लिखा जाता है। अब 6 में से 17 घटा देंगे कितना हो जाएगा, 11x, लेकिन माइनस में 11 हो, क्योंकि ये 6 एक छोटा संख्या है और 17 एक बड़ा संख्या, छोटा संख्या में से बड़ा संख्या, यही प्लस में 17 इधर रहता और माइनस में 6 इधर रहता तो प्लस में 11 होता, और ये उल्टा है, माइनस बड़ा छोटा में 16 और 6 है और बड़ा में 17 है, इसीलिए यहाँ माइनस में 11 होगा। इतना में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब 34 नंबर का क्वेश्चन समझिए, अब तो उतना अब समझ गए होंगे, आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पहले कितना करेंगे, माइनस में 9 रहने देंगे, नियम से बनाएंगे, माइनस में 9, 6 और 9 कितना होगा, 6 और 9, 6 और 3 = 9, प्लस में 9x। अभी हम आप लोगों को बताएं प्लस और माइनस मिलके क्या होगा, घट जाएगा, 9x कितना हो जाएगा 0,
जीरो एक्स। अभी देखिए दो यहाँ दो 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 में माइनस में दो और प्लस में दो दो था, माइनस माइनस और प्लस क्या था घटता, घट कितना हो गया दो, कहीं कहीं काटता काट ऐसा ऐसा काट दे काट कटता नहीं दोस्तों घट जाता, अरे घटाने से कोई कोई काट देता है, कटे कटता नहीं घटता है, काट भी देता था काट भी देता है तो गलत नहीं होता है, यानी घट गया, कटा मतलब समझिए घट गया। और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन देखिए 9x माइनस में 9x माइनस में 5x, पहले कितना हो जाएगा जोड़ दीजिए इधर इधर ही रख, माइनस में माइनस में माइनस में 9x, पहले इधर माइनस 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 कितना हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 9 और 5 माइनस में 14x प्लस में 7x, अब कोई संख्या बड़ा में से छोटा घट रहा माइनस में 7x। अभी आप लोग सोचेंगे सर आप तो ये वीडियो ये क्वेश्चन को पहले जोड़ को आगे कर दिए और साथ को पीछे कर दिए तो आप ऐसे बना माइनस में 11 आ गया, अगर हम पहले जोड़ इन दोनों को घटा के इन दोनों को घटा लेते हैं उसके बाद 9 को घटाएंगे, इसमें क्वेश्चन मेरा क्या गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा। फिर ऐसा भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं 8 में से 6 गया, 8 कोई बड़ा संख्या में छोटा संख्या माइनस कितना हो जाएगा माइनस में 2 और माइनस में 9 एक्स एक्स है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 9 और 1 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। आप किसी तरह बनाइएगा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई कोई टीचर आप लोगों को ऐसा बताएगा हम बता रहे हैं ऐसा, आप लोग जो जो मन करे ओसा बना सकते जिसमें आप लोगों को इजी पड़े। चलो अब यहाँ पे समझिए ये हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 7x, माइनस में 7x। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे ये मिटा देते हैं, आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, चलिए माइनस में 4x माइनस में 8x प्लस में माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस में, प्लस में 8 8 और 4 कितना हो जाएगा 12x और प्लस में 6, अब 12 में से 6 गया किसी भी बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटता है कितना हो जाएगा माइनस में 6x माइनस में 6x। अब यहाँ देखिए 8a माइनस 6, अभी आप लोगों को बताया माइनस प्लस कहीं काट देता, माइनस प्लस कट गया डायरेक्ट एक लाइन में आंसर, आप लोग सीख गए कहीं भी आंसर कर, माइनस प्लस कट गया और यहाँ कितना बच गया माइनस में 8a, इसका डायरेक्ट एक लाइन में बन गया। अब यहाँ पे देखिए 6 में से 2 गया, 6 में से 7 में से 6 गया 1a घटाओ और 2a 1a में घटा गया कितना बचा माइनस में 1a, माइनस में 1। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक नोट कीजिए।